So, hey मेरा नाम है सुमित एंड आप देख रहे हैं सुमो एंड गाइस आज बहुत ही ज्यादा मजेदार मामला होने वाला है क्योंकि आज विराट कोहली वर्ष शाहरुख खान के बीच में हम लोग तगड़ी फाइट करने वाले हैं मतलब असलियत की फाइट नहीं ये गेम में हम लोग विराट कोहली और शाहरुख खान के बीच में एक बाइक वाली रेस करने वाले है वो भी एकदम खतरनाक रास्ते पर तो यह यार हमारा विराट भाई एंड दिस इज और शाहरुख खान और शाहरुख खान की बाइक एंड ये व्हाइट वाली विराट कोहली की बाइक एंड हमारा रास्ता बहुत ही ज्यादा एपिक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये देखो यार नीली गुलाबी आग निकल रही है हम लोग पहले इस रास्ते में से जाने वाले है देन फिर हम लोग ये रास्ते पर आ जाएंगे जहां पे फुटबॉल एंड वुटबॉल और ये चक्री है और यह पंक है एक बार पंख से ठग गया तो भैया हो गया उनका खत्म काम फिर हम लोग आगे जाएंगे और फिर यहाँ पर फिर से ये काटे काटे है हम लोग इस सिलेंडर में से नीचे सीधे घुस जाएंगे और सीधे गिर जाएंगे यहाँ पर देन यहाँ पर पहुंचते ही हमको मिलेंगे ये चार गोलमाल वाले बाइक्स तो हम लोग यहाँ से जाएंगे ऐसे बूम बूम करते करते, -करते बूम बूम करते करते अंडर वाटर होते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे आएंगे फिर बूम 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 हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे देन हमको मिलेंगे यहाँ पर ये कार्स कारन हम लोग यहाँ पर ये बर्गर खाते हुए आगे जाएंगे फुटबॉल से खेलेंगे टायरों से खेलेंगे हर चीजों से खेलेंगे यार फिर बूम बूम करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे आगे निकलेंगे यहाँ से जंप मारेंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और फिर हम लोग सीधा ऊपर चढ़ेंगे और भैया बहुत लंबा रास्ता है बहुत इंटरेस्टिंग सा रास्ता है तो देखते हैं कौन सबसे पहले जीतता है तो यार एक बार विराट भाई एंड शाहरुख के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल विराट कोहली की बारी। so जाएंगे इधर अब यहां से हमको ध्यान से जाना पड़ेगा और इजी वाओ अबे हाँ चलो भगाते फटाफट फुटबॉल को मारी किक इसको भी मारी इसको भी कितना मजा आता ना फुटबॉल को किक मारने में और यहाँ पर अबे यार यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है यार क्योंकि यहाँ पर ये यह काटे काटे है ना ओ भाई बच गए 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 भाई साहब और यहाँ पर हमारे यहाँ नकली बर्गर है यार इनको देख के वैसे ही भूख लग जानी है यहाँ से फट से ओ भाई कितनी अच्छी किस्मत है यार सीधा पहुंचे जा रहे हैं हम लोग और यहाँ से बच गए अब एकदम स्पीड में लेकर जाते हैं अब मस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है वाह मैन ऐसा इतना प्रो खिलाड़ी कहीं पे देखा है तुम लोगों ने अबे बट 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 हम अगर बचेंगे तो हमको साला जो बोल रहा उसका उल्टा ही होते जा रहा है अबे भाई कोई उतारो अरे विराट भाई अरे भाई, भाई भाई क्या हुआ भाई अरे भाई अरे भाई भाई सो गाइस 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 फाइनली वहां से बड़े गंदे तरीके से गिरे हमारे विराट भाई तो यार विराट भाई की एक गलती हो चुकी है याद रखना आप लोग अब हमारी बाइक है यहां पर और अब यहाँ पर हमको मिल चुके हैं प्लेन्स तो यार व्हाइट वाला प्लेन है विराट भाई का और जो ब्लू वाला प्लेन है वो है शाहरुख खान सर का तो हमको अभी जाना है इधर ये टायरों की तरफ पर यह प्लेन उल्टे क्यों रखे गए थे भाई अबे यार अब प्लेन भी मोड़ो यार इनके लिए तो लेट्स गो फटाफट चलते हैं प्लेन उड़ाते हैं अभी यार मोड़ने में ही दस साल लग जाएंगे क्योंकि पायलट नहीं हूं ना मैं सो लेट्स गो अबे 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 भाई स्क्रैश हो गया प्लेन अब तो यार दो गलतियां हो गई विराट कोहली सर की फटाफट से निकलते प्लेन के बाहर आया है तैरते स्टाइल में यार विराट सर तो सो so इसी के साथ साथ विराट कोहली तो हार चुके क्योंकि प्लेन उनका तो क्रैश हो चुका है अब यार यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है मतलब देखो कोई भी रास्ता ही नहीं है बट फिर भी विराट कोहली तो हमारे एकदम स्पोर्ट्स पर्सन है स्पोर्ट्समैनशिप की एक आदत होती है कि स्पोर्ट्स पर्सन की एक आदत होती है वो कभी हार नहीं मानते तो विराट कोहली सर यहाँ पर बाइक से ट्राई करने वाले वहाँ पर जंप मारने का मतलब अगर जंप मारे भी तो क्या यार देखते हैं बट वो हार नहीं मानेंगे तो लेट्स गो एक बार बाइक से जंप मार कर देखते वहां पर सो so, लेट्स गो फटाफट बाइक से जंप मारेंगे हम लोग और बूम फिनिश

इधर तो इनकी पहले ही पहली गलती हो गई है शिट मैन और विराट कोहली जी की तीन गलतियां हुए थे एक तो वो गिरे थे वहां तो शाहरुख खान सर अभी ज्यादा से ज्यादा दो गलतियां अफोर्ड कर सकते हैं अगर उससे ज्यादा अफोर्ड करेंगे तो शाहरुख खान ऑब्वियसली गेम हार जाएंगे लेकिन अगर शाहरुख खान मतलब उनके मतलब आगे चले जाते विराट कोहली तो ऑब्वियसली शाहरुख खान ही जीतेंगे बट अगर उनसे पहले ही हार के उनसे ज्यादा गलतियां करते दो गलतिया सब फटाफट से चलते यहाँ से पूरे स्पीड में फुल स्पीड करके बच गए भाई साहब अरे यार यहाँ पर हमेशा गलती होती है यहाँ पर धीरे आना पड़ता है यार शिट, 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 शिट। ओ ओ गाइस बट अभी अरे यार अरे यार इतनी गंदी हालत देखी नहीं जाती वे यार अब इनकी बाइक भी यहाँ पर लटक गई तेरी अरे यार बाइक भी लटक गई तो गलत काम हो गया भाई हाँ। तो विराट भाई भी यहीं पर है बट यार अब सेम टू सेम एकदम काटे की टक्कर चल रही है विराट कोहली ने भी तीन गलतियां किए थे यहां तक पहुंचने के लिए और शाहरुख भाई ने भी तीन गलतियां कर लिया बट यार विराट कोहली भी कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हार चुके भाई वो मतलब अगर इससे आगे अगर शाहरुख खान जाते अभी अगर अपना प्लेन क्रैश नहीं करते शाहरुख खान तो शाहरुख खान जीत जाएंगे अब देखना है कि कौन जीतता है उन दोनों में से सब फटाफट से बैठते हैं प्लेन के अंदर आय हा क्या प्लेन स्टाइल में खुला है शाहरुख खान स्टाइल के अंदर वाव एक तरह पे प्लेन उल्टा रखा गया है मतलब जाना उस साइड है और प्लेन इस तरीके से रखा गया है तो वहीं पर दिक्कत हो जाती है अब बड़ा हम लोग इस वक्त बड़े ध्यान से मोड़ेंगे और अरे एक तो प्लेन का पिकअप भी इतना ज्यादा है कि पूछो मत बट हाँ हम लोग बड़े ही धीरे धीरे मोड़ेंगे विराट भाई भी उधर है उनको भी नहीं लगना चाहिए अबे पीछे में खड़े हो जाते हैं विराट भाई विराट भाई की मतलब पूरी गुस्सा आ गई यार उनको क्योंकि वो हार गए बट शाहरुख भाई भी कम नहीं है उनको डरा दिया कब तक के नहीं डरेंगे विराट भाई कभी ना कभी तो डरना पड़ेगा सो so, अब शाहरुख खान की बारी है और क्या लग रहा है प्लेन के अंदर एकदम स्टाइलिश अंदाज में बैठे हैं सो लेट्स गो बूम ओ माय गॉड और अब उस टायर में से हमको जाना है अबे 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 अबे, 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 अबे यार मेरे को प्लेन चलाते क्यों नहीं आता शिट गाइस मैं थोड़ा सा नूब अभी मतलब ये फर्स्ट गेम प्ले मेरा इस तरीके का बट इन्होंने भी अपना प्लेन खो दिया अबे यार शिट सो so, गाइस ये दोनों सेलिब्रिटीज मतलब देखो हंस भी रहे यार पानी में प्लेन गिरा दिया और हंस रहे और इनका आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है बट रास्ता तो कंप्लीट कर रहा है तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पर ये प्लेन वाला पड़ाव तो दोनों ने फेल किया और दोनों और अब तक के शाहरुख खान जी की चार गलतियां हो चुकी है और विराट कोहली जी की तीन गलतियां हो चुकी है तो चलते हैं अब नेक्स्ट पड़ाव पर वाइज हमारा नेक्स्ट पड़ाव है इन स्पीड बोट के जरिए यहाँ से जाते हुए आगे आगे बढ़ना तो लास्ट टाइम विराट कोहली पहले गए थे अब इस बार शाहरुख खान पहले जाएंगे और शाहरुख खान जी हमारे ये मरून कलर की स्पीड बोट लेंगे सो लेट्स गो ये तो स्पीड बोट चलाते आती है यार अबे पर ये भी खराब है वो तेरी पांच गलतियां हो चुकी है शाहरुख खान की माइकॉड नेक्स्ट वाले ट्राई करते बे यार शिट शिट हम तो भूल ही गए थे कि यार यहाँ पर चार बाइक्स रखे हैं उनमें से एक दो खराब है और बाकी सब चलने वाले हैं सो गाइज ये फाइनली हमारी चालू हो चुकी है लेकिन शाहरुख खान जी की पांच गलतियां हो चुकी है और यहां पर यह स्पीड बोट सिक्स मिस्टेक्स ऑफ शाहरुख खान सर खैर कोई नहीं बैठते हैं यहाँ पर फट से यार गलतियां कर रहा है बट पढ़ाओ कंप्लीट करना जरूरी है वही जरूरी होता है गलतियां ज्यादा नहीं देखना चाहिए कंप्लीशन देखना चाहिए गलतियां तो होगी बट बच गए अभी अभी, अभी गलती हो रही थी बट बच गए अरे यार यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है एक दो स्पीड बोट है और ऊपर से इसका कंट्रोल भी थोड़ा सा मुश्किल है बट बट खैर कोई नहीं अभी हम लोग बढ़ रहे आगे और यहाँ से जाएंगे एकदम जंप मारते हुए यहाँ पर पहुंच गए अब हमारा नेक्स्ट राउंड है मतलब शाहरुख खान जी ने बड़े आसानी से ये वाला राउंड कंप्लीट कर दिया अब यहाँ पर है दो कार्स और एक शाहरुख खान और शाहरुख खान जी क्या ये वाला कलर है तो शाहरुख खान जी ये वाला कलर लेंगे और अब यहाँ से देखते इसके आगे का रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक होता है तो तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डर बढ़ते जा रहा है मतलब मेरा डर बढ़ते जा रहा है कि आपका डर बढ़ते जा रहा है की आगे क्या होगा ये सोच सोच के तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसको गलती नहीं बोलेंगे बो ओ शिट शिट मैं उधर आपके की तरफ कैमरे की तरफ देखते देखते यार इनकी गाड़ी को डुबा दिया हूं बट वेट क्या हम लोग बोट से जा सकते हैं बट हमारी तो कार ही डूब रही है यार शिट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा सो so सोगाइज तैराक शाहरुख खान जी खुद को बचाते हुए अब जाएंगे ऊपर शाहरुख खान की टोटल सेवन गलतियां हो चुकी है एंड शाहरुख खान जी अपनी कार भी गवा बैठे हैं सोगाइज so शाहरुख खान जी की थोड़ी सी शर्मनाक हार हो चुकी है उन्होंने अपनी कार पानी के अंदर गवा दी है अब बारी है विराट कोहली जी की सो so नाव अब हम लोग अब वो तो बंद है विराट कोहली जी को पता चल चुका है अब इन दोनों कार्स अब इन दोनों बाइक्स में से कौन सी सही है कौन सी गलत क्या पता खैर हम लोग एलो चूज करेंगे because एलो डर्टी फेलो। मतलब विराट कोहली जी को डर्टी फेलो नहीं बोल रहा वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है सो so, वो ये वाली ये वाली स्पीड बोट काम कर रही है और अभी हम लोग जा रहे आगे एंड वाह wow, एकदम जंप मारते हो बट यार इनकी मतलब उतनी अच्छी स्टाइल नहीं है जिस प्रकार से शाहरुख खान इस बाइक को चला रहे थे और इन्होंने ये गलतियां भी नहीं कर रहे बट विराट कोहली अरे जब मैं गलतियों का नाम लेता हूँ तभी तो गलतियाँ क्यों हो जाती पता नहीं अरे रे 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 ओ भाई वट ये क्या था अबे यार <laughs> इसको गलती कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज विराट कोहली जी के प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए हम लोगों को यार एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहिए बट खैर कोई नहीं मतलब मैं विराट ऑब्सेस्ट हुआ थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट देने की बात कर रहा था बट कोई नहीं हमारी बाइक गई अच्छा हुआ है बट किया ही खतरनाक उन्होंने जंप मारी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते यार इसको जैसे ही वो लग रहा था फटाक से जंप मार दी जम्प मारे चलते अभी आगे और ये विराट कोहली जी ने भी मस्त तरीके से इसको भी पार कर लिया खैर अभी उधर शाहरुख खान जी विराट कोहली जी का वेट कर रहे हैं बेचारे यार मतलब एक ही जगह पर क्यूँ टपकते अब uh, अब विराट कोहली ने ये वाला राउंड पार कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स गो फटाफट चलते हैं यहाँ से अब यार इस बार थोड़े से मतलब मस्ती नहीं करेंगे हम लोग ज्यादा बड़ी ध्यान पूर्वक चलाएंगे अपने अपने इस कार को अरे ओ बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बट ये गलती तो हुई यार अरे यार कितना स्पीड में भग रहा है अब ध्यान से थोड़ा सा भगा। ओ, शिट शिट अब हाँ। ये भी यही पर गिर गए और क्या गाड़ी की कितनी गंदी हालत हुई तो पूरी चिपक गई बे चलो यार इनको भी बाहर निकाल ऐसे मतलब इन दोनों के बस की मतलब सेम टू सेम करते मतलब दोनों का लेवल एकदम बराबर है यार तो गाइज लास्ट राउंड ये दोनों लोग हार चुके थे लेकिन गलतियां अभी किसकी ज्यादा है आप देख लो स्क्रीन पर मैं मैं भी भूल गया यार यार अभी अभी क्या कर सकते हैं ना हम लोगों को इस डुगडुकी से ये वाला रास्ता पार करना है यार ये दुग के बस की भी है ये रास्ता पार करना बट खैर पार तो करना पड़ेगा सो लेट्स गो अभी लास्ट टाइम शाहरुख खान थे अभी इस बार ऑब्वियसली विराट कोहली सबसे पहले बैठेंगे एंड सबसे पहले राउंड की स्टार्ट सबसे पहले राउंड की शुरुआत करेंगे और यार अब मतलब चार बाइक्स थे मन मुताबिक कभी विराट कोहली बैठ तो गए बट ये बाइक सही भी है कि तो पता नहीं एक बार घुर्रा कर देखते इसको चल रही है गाइस चल रही है वाह लग तो विराट कोहली जैसा चलो अबे अरे रे, अरे अरे ओ वाह अबे यार बड़ा ही गलत सीन है भाई अब बारी है शाहरुख खान की लेकिन विराट कोहली जी को एक लाइफ लाइफलाइन मिल सकती थी क्योंकि यहाँ पर चार बाइक्स है ठीक है तो अब शाहरुख खान जी एक बाइक चूज कर लेंगे बचेंगे दो बाइक्स अब अगर उन दो बाइक्स में से अगर दोनों खराब होंगे तो फिर तो विराट कोहली जी के किस्मत को हम लोग गलत साबित कर देंगे मतलब अच्छी नहीं है बोलेंगे लेकिन अगर उन दोनों बचे हुए बाइक्स में से अगर एक बाइक भी अगर काम करेगी तो यार विराट कोहली जी की किस्मत को हम लोग बनेंगे लेकिन गलती तो हमने विराट कोहली जी की गिन ली तो विराट कोहली जी की टोटल इतने गलतियाँ हो चुके हैं एंड शाहरुख खान जी की टोटल इतने गलती हो चुकी है देखो लीड में को मैं खुद भूल गया, यार, किसके गलती गया। अब में देखना पड़ेगा। तो यार अब शाहरुख खान जी की शाहरुख को चूज तो सरप्राइज ये बाइक भी काम कर रही है थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बच गए बच गए तेरी अब यहाँ से थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगी वे पर थोड़ा सा गिरना भी नहीं चाहिए हमको तो थोड़ा सा पीछे लेते हैं और यहाँ से अभी हम लोग अपनी स्पीड को पकड़ेंगे बीच में फुटबॉल भी किसने रख लिया अबे बच गए बच गए ओ ये कौन सी मशीन है भाई साहब बट एक मशीन तो हमने गिरा भी दी जैसे उसकी कोई इज्जत ही ना हो इसको भी गिरा दिया भाई साहब की शाहरुख भाई ये क्या कर रहे हो तो चलो चलते आगे तोड़ सी उनको उनको लग लग रहा 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 है है कि कि यार मैं बोल था रोहित शेट्टी की फिल्म विराट कोहली जी भी गिर गए थे शाहरुख खान जी भी गिर गए थे और क्या देख रहे हैं यार शाहरुख खान जी विराट कोहली जी की तरफ आ, बचे दो बाइक्स लेकिन कायदे अनुसार अब विराट कोहली जी की बारी है तो अब चालू अगर होगी तो इनके किस्मत पे होगा अगर बंद होगी तो इनका किस्मत में कुछ भी नहीं होगा तो so, चलो ट्राई करते एक एक बाइक को तो शाहरुख भैया चेक करके दे रहे विराट कोहली को और अबे यार गाइस ये बंद है और इस बाइक को चेक करके देखते क्या ये बाइक भी तो बंद नहीं है अबे यार धुआं निकल रहा है पीछे से देखो साइलेंसर से धुआं साइलेंसर से धुआं भी नहीं निकल रहा एक ही बार अबे कुछ तो चल ये देखो मैं पूरा स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ ये पूरा भाई अबे यार चल जा चले जा। शिट। ये भी बंद है यार। सो गाइस तो फिलहाल वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना और यार हम लोग अभी विराट कोहली और शाहरुख खान की जगह कोई और ला देंगे मतलब इनके आगे इनके बाद क्योंकि इनके पास की तो है ही नहीं यार आपको क्या लगता है कि मैं मतलब मेरे को चला ना नहीं।, नहीं ये शाहरुख खान और विराट कोहली विराट कोहली तो अब आर सी यार कब जीतेगी भाई कब आर प्लीज जीत जाए साल मतलब यार आर सी के फैंस हम लोग ऐसे हैं कि यार टीम जीतती भी नहीं बट हम लोग इतने ज्यादा सपोर्टिंग फैंस हैं कि आर के साथ ही स्टिक्ड है और कोलकाता नाइट राइडर्स का मेरे को पता नहीं उतना हैरिस <laughs> वाले वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक ले पीस आउट